हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अष्टभुजा त्रिपाठी। टुडे वी विल स्टडी साइंस क्लास टू, साइंस चैप्टर नंबर टू। एज वेल यू नो वेरी वेल, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम आज पौधों से भोजन के बारे में बात करेंगे। हमें पौधों से कैसे भोजन प्राप्त होता है, कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और इनका कैसे हम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हम ऐसे कच्चे खा सकते हैं, कुछ पका के खाते हैं या कुछ फल के रूप में खाते हैं, या और कौन से तरह के भोज्य पदार्थ हमें मिलते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर वन आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ उसमें बाकी है, कोई क्वेश्चन आंसर बाकी है या ऐसी कोई कंटेंट बाकी है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो बहुत जल्दी मैं उसको भी अपलोड करूँगा और आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। हम आज चैप्टर नंबर टू के बारे में सिर्फ बात करेंगे। चैप्टर नंबर टू, यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है बेटा, पौधे के कौन कौन से उपयोग हैं। फर्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से कैसे हमें फूड मिलता है, भोजन मिलता है। सेकेंड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बेटा, हमें पौधों से फल भी मिलते हैं और सब्जियां भी मिलती हैं, जैसे एप्पल्स, पॉमीग्रेनेट्स, मैंगो, बनाना एट्सेट्रा। बेटा अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो पोटैटो, ओनियन, लेडी फिंगर, बिटर गार्ड्स एट्सेट्रा। ये अलग बात है कि कोई उसका तना यूज करता है, किसी कुछ सब्जियों का हम रूट्स जड़ यूज करते हैं, कुछ सब्जियों के हम फ्रूट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डीपली आगे बात करेंगे। बेटा पॉइंट नंबर थ्री, कैरियल्स एंड पल्सेस। पॉइंट नंबर फोर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ एंड शुगर। एज यू नो वेरी वेल, शुगर, शुगर मीन्स चीनी। ये हमारे शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल जो है, गन्ना, गन्ने के तने की पेराई करके उसको हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, फिर वो उसे हम गैजरी, गुड़, चीनी एट्सेट्रा बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं। यूजेज ऑफ प्लांट्स, चैप्टर नंबर टू, वार्म अप। कैन यू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिवन बिलो, राइट देयर नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। बेटा यहाँ से आपको फल, सब्जियों, इनके जो नाम हैं यहाँ पे इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। और यहाँ पे फ्रूट्स के कॉलम में फ्रूट्स नेम, यहाँ पे वेजिटेबल्स की कॉलम में वेजिटेबल्स नेम राइट करना है। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे कैबेज, पोटैटो है ना, पम्पकिन, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन एट्सेट्रा। आई नो वेरी वेल यू कैन फिल दिस चार्ट प्रॉपरली। कम टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 16, फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है बेटे, ये है फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें पौधों से भोजन कैसे प्राप्त होता है और कौन कौन से टाइप के भोजन प्राप्त होते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। पौधे हमारे जीवन के लिए या हमारे लिए बहुत तरीके से उपयोगी हैं, इवन वो हमारे लिए जीवनदायिनी भी हैं। अगर पौधे नहीं होते तो हमारे पेड़ ना होते तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता और शायद हम जीवित ना रह पाते। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें पौधों से अलग अलग तरह का भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। फर्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम सब्जियाँ और फल पौधों से प्राप्त करते हैं। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगोज, ग्रेप्स, गवावा, वाटरमेलन एंड पीच आर सम फ्रूट्स दैट वी ईट। ये सारे फल हैं जिन्हें हम खाते हैं। लेट्स टॉक टू अबाउट द वेजिटेबल्स। चलिए हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। कॉलीफ्लावर, रेडिश, पोटैटो, ओनियन, लेटस, कैरट, पम्पकिन एंड कैबेज आर द सम वेजिटेबल्स दैट वी ईट। ये सारी सब्जियां हैं। कॉलीफ्लावर, आपने फूलगोभी का नाम सुना होगा, आप खाते भी होंगे। पोटैटो, आलू, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली एट्सेट्रा।
वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स, हम पौधे के बहुत सारे भाग को अलग अलग सब्जियों के रूप में यूज करते हैं. बीट रूट एंड कैरेट आर रूट्स दैट वी ईट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी हम जड़ें खाते हैं, जैसे बीट रूट, कैरेट है, चुकंदर, ये सारी चीज़ें जो है इनकी हम जड़ें खाते हैं. पोटैटो एंड जिंजर आर स्टेम्स दैट वी ईट, आलू जो है बेटा और जो जिंजर अदरक होती है, ये दोनों ना ही पेड़ की जड़ हैं और ना ही पेड़ के पत्ते, जो हम उसका जो पार्ट यूज़ करते हैं आलू और जिंजर बेटा वो है स्टेम्स, तना है उसका, यानी कि जो आलू है वो उस पेड़ का तना है, हम उस तने को अपनी सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं. स्पिनच एंड लैक्टोस आर लीव्स दैट वी ईट, द सलाद पत्ता है ना, साग हम लोग खाते हैं, साग आपने सुना होगा, जैसे पालक, चौराई, मेथी, बथुआ एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये इनकी पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं, इन सभी पत्तियों को हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं. आगे देखते हैं बेटा, स्पिनच बारकोली एंड कॉलीफ्लावर आर फ्लावर्स दैट वी ईट, ये सारे जो हैं ये फूल हैं जिनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. वीट एंड ग्राउंड नट आर सीड्स दैट वी ईट, ठीक है बेटा, गेहूँ, मूंगफली, ये जो हैं इसके बीज हैं जिनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. कैरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है बेटा, बात करते हैं अब अनाज और दालों के बारे में. बहुत सारे अनाज का हम इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दाल और भी. वी गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स, राइस, मेज, बार्ली, वीट, ओट एंड फूड ग्रेन्स दैट वी ईट, दीज आर नोन एज कैरियल्स. सम कैरियल्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर, द फ्लोर इज यूज टू मेक चपातीज एंड ब्रेड, ठीक है बेटा. इसमें क्या है, गेहूँ है, ठीक है, और वो भुट्टा, मेज है, बार्ली है, बाजरा है, इन सभी अनाजों को हम पीस के यानी कि ग्राइंड करके, ठीक है, इसका आटा बना लेते हैं और उनसे हम चपातीज या ब्रेड बनाते हैं, रोटी बना के इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं. और भी बहुत सारे ऐसे कैरियल्स हैं जिनका यूज करते हैं, अनाज हैं, रेड लेंटिल, किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम्स, मूंग आर अदर फूड ग्रीन्स दैट वी ईट, दीज आर नोन एज पल्सेस, ठीक है बेटा. आपने नाम सुना होगा मूंग का, चने का, है ना, और वो राजमा एट्सेट्रा, अरहर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनका दलहन के रूप में इस्तेमाल होता है. दीज आर नोन एज पल्सेस, ये दाल के रूप में जानी जाती हैं. टी, कॉफ़ी, कोकोआ एंड शुगर की बात करते हैं. आगे देखते हैं, प्लांट गिव अस टी, कॉफ़ी, कोकोआ एंड शुगर. कोकोआ इज यूज टू मेक चॉकलेट्स, बेटा कोकोआ का जो यूज़ है वो चॉकलेट्स बनाने के काम आता है. जैसे आपने बहुत सारे चॉकलेट ब्रांड के नाम सुने होंगे, डेरी मिल्क, स्नैकर एट्सेट्रा. प्लांट गिव अस टी, जो पौधे हमें टी देते हैं, कॉफ़ी, कोकोआ एंड शुगर, बेटा टी की जो है टी लीव्स मिलती हैं, पत्तियाँ, ठीक है, फिर उनसे हम टी बनाते हैं. स्पाइसेस एंड ऑयल, हम मसाले और तेल की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जिनको हम बेटा ग्राइंड करके अपने ऑयल निकाल सकते हैं, कौन से ऐसे सामान हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स को, जिनकी फ्लावर्स को, जिनके रूट्स को हम एज ए स्पाइस मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं. चलिए जानते हैं इन सब के बारे में. वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट, हमें जो मसाले हैं वो पौधों से मिलते हैं. स्पाइसेस आर यूजुअली ड्राइड सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स आर बार्क्स ऑफ ए प्लांट, ये सूखे हुए होते हैं, या तो उसके फल होते हैं, या तो उसके बीज होते हैं, या तो उसकी जड़ें होती हैं, या उसके तने के छिलके होते हैं, बार्क्स होते हैं, उसकी जो अपर लेयर है उसे बार्क्स बोलते हैं. कार्डमन, ब्लैक पेपर एंड चिनमन आर सम स्पाइसेस दैट वी यूज, दे आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड, ठीक है बेटा. काले मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये सारे जो हैं हमारे भोज्य पदार्थों में स्वाद जोड़ते हैं, उन्हें और बेहतर बनाते हैं. द सीड्स आर फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस ऑयल, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके जो सीड्स हैं उससे हमें भोजन ऑयल प्राप्त होता है, भोज्य ऑयल.
बेटा ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं जिनका हम यूज़ अपने भोजन पदार्थ के लिए नहीं कर सकते। भोज्य पदार्थों के लिए ऑयल का होना, ऐसे ऑयल का होना जो हमारे लिए सुपाच्य हो, बेहतर हो, ठीक है, मस्ट है। बेटा इसमें कौन कौन से आते हैं? मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, कोकोनट, ऑलिव आर प्लांट्स दैट गिव अस ऑयल। ऑयल इज यूज इन कुकिंग फूड, ठीक है बेटा। सरसों हो गया, सूर्यमुखी, नारियल का तेल और जैतून, ये सारे जो ऑयल्स हैं ये हमारे भोज्य पदार्थ ऑयल्स हैं जो जिनका इस्तेमाल हम अपने भोजन के लिए कर सकते हैं। अदर थिंग्स दैट प्लांट्स गिव अस, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पौधे हमें देते हैं। पौधे या पेड़, इनका जो हमारे ऊपर एहसान है इसको तो हम उतार नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में, इनके जीवन के बारे में सोचेंगे, बहुत सारे पौधों की प्लांटिंग करेंगे, बहुत सारे पेड़ों को लगाएंगे ताकि आने वाले जनरेशन को भी ये सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। अदर्स थिंग्स दैट प्लांट्स गिव अस, और भी कुछ अलग चीज़ें हैं जो पौधे हमें देते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स गिव अस मेनी अदर यूजफुल थिंग्स, ठीक है बेटा। ये फल और सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी यूजफुल थिंग्स हमें प्रोवाइड करते हैं जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। प्लांट्स गिव अस मेडिसिंस, पौधे हमें दवाइयाँ भी देते हैं। बेटा आपने एक दवाई का नाम सुना होगा आयुर्वेदिक, ठीक है। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होती हैं, जड़ी बूटियों पे डिपेंड होती हैं, छोटे मोटे पौधे या उनके फल, जड़, पत्तियाँ या और बहुत सारे पॉइंट्स को वो यूज करके ऐसी दवाइयों का निर्माण करते हैं, इन्वेंट करते हैं जिससे पेशेंट को क्योर कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करके। प्लांट्स गिव अस मेडिसिंस, वी गेट मेडिसिंस फ्रॉम प्लांट्स, नीम, तुलसी, एलोवेरा, जिंजर एंड टर्मरिक आर प्लांट्स दैट आर यूज टू मेक मेडिसिंस, ठीक है बेटा। जैसे अदरक, हल्दी, तुलसी, नीम, एलोवेरा, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये मेडिसिंस बनाने के काम आते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट जिनका यूज हम अपने किसी भी डिजीज़ के टाइम में करते हैं। जैसे बेटा तुलसी ड्रॉप्स हो गया, और बहुत सारे नीम के, नीम जूस आता है, और साफ़ी एक्सेट्रा, ये सारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं ये इन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियाँ, जड़ों या इनके रस को निकाल के बनाया गया होता है। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, वी गेट फाइबर्स सच एज कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स, बेटा हमें इनसे फाइबर्स भी मिलते हैं, कपड़े इनका बनाते हैं कॉटन, ठीक है बेटा। सूती वस्त्र जो होते हैं उन्हें कॉटन बोलते हैं। जूट फ्रॉम प्लांट्स, ये सारा कुछ हमें पेड़ से मिला होता है, प्लांट से। बेटा अगर जैसे हम बात करें टेरिकॉट, नायलॉन, पॉपलॉन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये किसी पौधे से जनरेट नहीं होते, मगर कॉटन, जूट, ये सारे जो फाइबर्स हैं ये प्लांट से, प्लांट्स के प्रोडक्ट को बनाया गया होता है जिसका यूज हम अपने जीवन में कर रहे होते हैं। दीज आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, रूफ्स एंड बैग्स, और इन सब का जो यूज है बेटा, कॉटन का, प्लांट जूट का, इससे बेटा कपड़े बनाते हैं, रूफ्स, रस्सियाँ बनाते हैं, बैग्स मतलब थैले, झोले जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन बेटा आपने देखा होगा जो सैक्स होते हैं, जो बोरे जिसमें सूती बोरे होते हैं, इसमें हम अनाज भर के सिलाई करके रखते हैं गोदामों में, बेटा उनका भी निर्माण जूट से ही होता है, जूट के फाइबर्स को ही उसमें इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स गिव अस वुड, पेड़ जो हैं, पौधे हमें लकड़ियाँ भी देते हैं। टीक, नीम, सीसम एंड पाइन आर सम ट्रीज दैट गिव अस वुड, ठीक है बेटा। नीम से, आम से, सीसम से, सागवन और बहुत सारी ऐसी लकड़ियाँ हैं जो जिनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। वुड इज़ यूज टू मेक डोर्स, विंडोज, चेयर्स, टेबल्स एंड पेंसिल, इनका यूज जो है बेटा फर्नीचर बनाने के काम में होता है, जैसे चेयर, बेड, तख्त, टेबल एक्सेट्रा। प्लांट्स गिव अस पेपर, रबर, प्लास्टिक एंड गम, बेटा पेड़ों से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं बेटा आप देखेंगे आगे। वी गेट पेपर फ्रॉम बाम्बू ट्री, ठीक है, हम बांस से, बांस का इस्तेमाल करके पेपर बनाते हैं। पेपर इज़ यूज टू मेक बुक्स एंड नोटबुक्स, और उस पेपर का इस्तेमाल कापियाँ बनाने में, किताबें बनाने में होता है। वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री, ठीक है बेटा, रबर ट्री से जो है उसका हम जूस निकाल के रबर बनाते हैं। रबर इज यूज टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड बॉल्स, बेटा इसका यूज जो है टायर्स बनाने में, इरेजर्स जो आप पेंसिल से लिख के इरेज करने के लिए करते हैं, या फिर टायर्स में होता है। गम इज मेड फ्रॉम द जूस
ऑफ कीकर ट्री, इट इज़ यूज टू मेक ग्लू। ठीक है बेटा, कीकर ट्री के जूस का इस्तेमाल करके हम गम बनाते हैं, मतलब जो जिससे हम फटी हुई किताब कापियों को पेस्ट करते हैं, चिपका देते हैं। प्लांट्स गिव अस सोप्स, ठीक है बेटा, प्लांट्स जो हैं वो हमें सोप्स, टूथपेस्ट एंड परफ्यूम्स में भी बनाने में मदद करते हैं। सोप्स एंड टूथपेस्ट आर मेड फ्रॉम द जूस एंड ऑयल्स ऑफ सम प्लांट्स, रोज एंड जैस्मिन्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जूस या फिर ऑयल्स हम बाहर उसको करके बना के सोप्स में, साबुन में, टूथपेस्ट यानी दंत मंजन में, और रोज एंड जैस्मिन के जूस को निकाल के हम परफ्यूम्स बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। बेटा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, केरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, इन्हें भी आप नोट डाउन करके इसे भी लर्न करेंगे। अभी मैं आपको तुरंत समरी लिखवा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 2 यूजेज ऑफ प्लांट्स आई होप परफेक्टली पढ़ लिया है। आप कुछ समरी पॉइंट्स अभी देखेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ आपको इस चैप्टर के बारे में मेन पॉइंट्स ब्रीफ करना चाहता हूँ। आपने इस चैप्टर के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा वो है बेटा फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, पौधों में से भोजन पदार्थ। फूड आर यूजफुल टू मैनी इन यूज टू अस इन मैनी वेज, जो पौधे हैं हमारे लिए बहुत सारे तरीके से फ़ायदेमंद हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बेटा, ये सारे कुछ पौधे से आते हैं, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो सब्जी हो। द फ्रूट्स में कुछ हमने एग्जांपल्स आपको दिए थे, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज एट्सेट्रा। बेटा वेजिटेबल्स में मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सारे कुछ सब्जियों में तो आते हैं मगर ये सारे फल नहीं हैं। कुछ सब्जियां जिनकी जड़ें खाते हैं, जैसे आप कैरेट को मान लो, गाजर, कुछ के हम फूल खाते हैं कॉलीफ्लावर्स, बेटा कुछ के हम स्टेम्स तने का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका पोटैटो। कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनके हम पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पालक, चौराई और बहुत सारी मेथी। केरियल्स एंड पल्सेस, मैंने आपको इसके बारे में बेटा बताया इसके बाद में, केरियल्स एंड पल्सेस क्या क्या होते हैं, अनाज, दालें, दलहन, तिलहन। जिसका दाल बनता है वो दलहन में आता है, जिसका तेल निकलता है वो तिलहन में आता है। अक्सर हम लोग सरसों की पिराई करवाते हैं, ठीक है, तो जो सरसों बेटा हमारा है वो तिलहन में आता है, उसका तेल निकालते हैं। केरियल्स एंड पल्सेस वी गेट फ्रॉम फूड ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स, राइस, मेज, बार्ली, व्हीट एंड ओट आर फूड ग्रेन्स दैट वी ईट। ये सारे जो हैं बेटा हमारे केरियल्स में, अनाजों में आते हैं, इनका हम फ्लोर बना लेते हैं ग्राइंड करके, और इसकी चपाती, ब्रेड बना के भोजन में इस्तेमाल करते हैं। बेटा मैंने आपको फिर अगला पॉइंट बताया, टी, कॉफ़ी, कोकोवा एंड शुगर। ठीक है बेटा, तो जो टी है वो टी लीव्स हम चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का बेटा इस्तेमाल हम कॉफ़ी बनाने में करते हैं, और कोकोवा का यूज़ चॉकलेट बनाने में होता है। सारा कुछ मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। स्पाइसेस एंड ऑयल, मसाले और तेल। बेटा मसालों में जो है, या तो वो मसाले जो मसाला है, या तो वो उसकी जड़ होता है, या उसका तना होता है, या उसका फूल होता है, या उसका फ्रूट होता है। बेटा इसमें कौन कौन से थे, कार्डमन, ब्लैक पीपर, ठीक है, टर्मरिक एट्सेट्रा। बेटा ऑयल फ्रूट्स की बात करें, द सीड ऑफ फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस ऑयल, कुछ ऐसे बीज हैं जिनकी बेटा हम ग्राइंडिंग करके, पिराई करके उन्हें अपने दैनिक जीवन में तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं बेटा, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, कोकोनट है, आपने नारियल तेल का भी नाम सुना होगा, सूर्यमुखी का भी तेल आता है बेटा, और ऑलिव ऑयल है। ठीक है, ये सारे जो हैं बेटा हमारे जो ऑयल्स हैं ये भोज्य पदार्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा इसके आगे मैंने आपको कुछ और पॉइंट्स बताएं, अदर थिंग्स दैट प्लांट्स गिव अस, कुछ और चीज़ें हैं जो पौधे हमें देते हैं,
प्लांट्स गिव अस मेडिसिंस, ठीक है, पौधे हमें दवाइयाँ देते हैं. कौन कौन सी दवाइयाँ ये यहाँ पे फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ना ही आपको जानना है. बस आप ये जानो कि जो आयुर्वेदिक प्लांट्स दवाइयाँ होती हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होती हैं, और इनमें से तुलसी, एलोवेरा, नीम, ठीक है, जिंजर, टर्मरिक, इसे बेटा हम घरेलू इलाज में इस्तेमाल करते हैं. इसका एक ब्रांच जो है आयुर्वेदिक, इस पर भी वो बहुत सारे ऐसे इन्वेंट करता, दवाइयों का आविष्कार करता है जिसके माध्यम से पेशेंट को क्योर किया जाता है. बेटा प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, पौधे हमें जो है फाइबर्स भी देते हैं. कौन कौन से बेटा? कॉटन है और जूट फाइबर्स, ठीक है. बाकी सिंथेटिक नायलॉन, पॉपलॉन, ये सारे जो हैं बेटा ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये जो है नेचुरल है, ये प्लांट से मिलता है, हमें पौधे से मिलता है. प्लांट्स गिव अस वुड, पौधे हमें लकड़ियाँ भी देते हैं, जिन लकड़ियों का इस्तेमाल हम टेबल, चेयर, फर्नीचर, किसी भी तरह का तख्त, बेड या ऐसा कुछ बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. प्लांट्स गिव अस पेपर, रबर, प्लास्टिक एंड गम, ठीक है बेटा, ये सारी कुछ चीज़ें पौधे से मिलती हैं, पेपर भी, रबर और गम भी. बेटा पेपर में क्या है, बाम्बू ट्री का इस्तेमाल करके हम पेपर बनाते हैं, जिससे हम बुक और नोटबुक्स बनाते हैं. रबर ट्री से बेटा टायर, इरेजर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसका हम उस पेड़ से उसका जूस निकाल के इकट्ठा करके कलेक्ट करके उसको बेटा हम मॉडिफाई कर लेते हैं. कीकर के जूस को हम इकट्ठा करके उससे गम बनाते हैं. प्लांट्स गिव अस सोप्स, टूथपेस्ट एंड परफ्यूम्स, बेटा पौधे से तो मतलब नहीं साबुन बनता है ना, टूथपेस्ट, इसमें पौधों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी खुशबू के लिए या उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए. जैसे बेटा जर्म्स को किल करने के लिए नीम का इस्तेमाल कर दिया ना, सॉफ्ट बनाने के लिए, स्किन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उस साबुन में एलोवेरा मिला दिया, मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए भी एलोवेरा मिला सकते हैं. बेटा ऐसे ही साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए इनका अलग अलग यूज़ होता है. सोप्स एंड टूथपेस्ट आर मेड फ्रॉम द जूस ऑफ एंड सॉइल ऑयल ऑफ द सम प्लांट्स. रोज एंड जैस्मिन्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, ठीक है बेटा. गुलाब और चमेली के जो फूल हैं इनका इस्तेमाल होता है किस काम के लिए बेटा? परफ्यूम्स, जो खुशबू, फ्रेग्रेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो ये चैप्टर नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया. चैप्टर नंबर फर्स्ट में अगर कुछ छूटा हुआ है उसको क्वेश्चंस तो मैं नेक्स्ट टाइम करवा देता हूँ, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा बहुत जल्द. अभी आप समरी इसके बारे में जानेंगे. समरी क्या क्या बेटा इसमें? चैप्टर नंबर टू, यूजेज ऑफ प्लांट्स. जो यूजेज हैं हमारे जीवन में, आपने पौधों के बारे में बहुत बेहतरीन पढ़ा, पौधे हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जिसका हमने फल सब्जियों का इस्तेमाल किया, गाजर के रूप में जड़ का इस्तेमाल किया, टूथपेस्ट और साबुन के लिए उसके ऑयल का इस्तेमाल किया, खुशबू के लिए उसके फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया, रोज और जैस्मिन, और आपने बहुत कुछ पढ़ा कि हमें फाइबर्स भी, कॉटन, जूट, ये सारा कुछ पौधे से मिलता है. बेटा हम समरी में कुछ जानेंगे इसके बारे में. पॉइंट्स नंबर वन, वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है बेटा. पौधों से हमें क्या क्या मिलते हैं? फल, सब्जियां, अनाज, ठीक है, दालें, ये सारा कुछ पौधों से मिलता है. आपने अरहर, उड़द, मटर, ये सारा कुछ नाम सुना होगा जिससे दालें बनती हैं. फ्रूट्स में आपका मैंगो तो हर किसी जगह पे अवेलेबल है, जो कि आम फलों का राजा है बेटा, आम हर कोई पसंद करता है. पॉइंट नंबर टू, वी गेट टी, कॉफ़ी, कोकोआ एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है. टी, कॉफ़ी, बेटा जो टी है, चाय, ये आसाम में बहुत ज़्यादा होती है, इसकी भी खेती होती है, अक्सर इसकी खेती पहाड़ों पे होती है, और इसकी पत्तियों को तोड़ करके फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ से इसकी टी लीव्स को बना के आपको सेल करते हैं, जो कि चाय पत्ती के रूप में हम यूज़ करते हैं. कॉफ़ी एक ऐसा कंटेंट है जो कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है. इसके फल होते हैं, कॉफ़ी बीन्स को तोड़ के पौधों से उसकी मतलब उसको बेटा पहले रोस्टेड कर लेते हैं, भून लेते हैं, फिर उसकी पिसाई करके हम लोग कॉफ़ी पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं. बेटा कोकोवा का इस्तेमाल जो है वो चॉकलेट्स बनाने में होता है. चॉकलेट्स, डेरी मिल्क, स्नैकर, मंच, फाइव स्टार, आपने जो कुछ भी चॉकलेट खा रखा है, लगभग सभी चॉकलेट्स में जो अच्छे ब्रांड के होंगे उनमें बेटा कोकोवा का इस्तेमाल
होता है, उसका बेस है। क्योंकि अगर उसने कोकोआ नहीं मिलाया तो उसका चॉकलेट का फ्लेवर नहीं आएगा। बेटा बात करते हैं शुगर की। शुगर जो है बेटा ये चीनी, ये हमारे आपके खेतों में उगने वाले गन्ना शुगर केन से इसका निर्माण होता है। शुगर केन जो है गन्ना, उसकी पेराई करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी शुगर यूनिट्स में जहाँ पे चीनी मिल वगैरह हैं, ये चीनी बनाई जाती है, जिसका यूज हम अपने चाय में या फिर लेमनेड यानी कि शरबत में इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी चीज़ को मीठा बनाने के लिए, ठीक है, स्वीटनेस लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वीट अगर आपने खीर बनाया तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैं बेटा ये सारे थे प्लांट्स से। प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस, ऑयल एंड मेडिसिंस, ठीक है। अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट अबाउट द स्पाइसेस, ऑयल एंड मेडिसिंस। लेट्स नो अबाउट द अगेन, इसके बारे में दोबारा पढ़ते हैं। पौधे हमें मसाले भी देते हैं, तेल भी देते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मसालों में उसके फ्रूट्स का, उसके रूट्स का, उसके बार्क्स का, उसके फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने नाम सुना होगा क्लोव, लौंग। लौंग जो है बेटा वो एक फूल है, ठीक है। दालचीनी जो है वो एक पेड़ की टहनी का जो है छिलका है। और भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, हल्दी आप देखो उसकी जड़ से निकलता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये मसाले, इनका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसेस की बात करते हैं पहले हम। ब्लैक पेपर, आपने काले मिर्च का नाम सुना होगा, ठीक है। जीरा, इलायची, ये सारे उस मसालों की एक सीरीज हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते रहते हैं। बेटा ऑयल की बात करें तो ऑयल में मस्टर्ड ऑयल जो जनरली घरों में यूज़ होता है, आपने नाम सुना होगा सरसों का, सरसों के तेल का इस्तेमाल। सनफ्लावर ऑयल, ठीक है बेटा, सूर्यमुखी के बीजों का जो है तेल, बेटा वो भी आप हमारा जो है सनफ्लावर में आएगा। सनफ्लावर है ही वो, सूर्यमुखी का मतलब तेल है बेटा। मेडिसिंस, ठीक है, दवाइयों की बात करते हैं तो दवाइयों में जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो प्लांट से अटैच होती हैं, इनका इस्तेमाल उसमें होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में होता है, जिनके यूज से हम बनाते हैं दवाइयाँ। जैसे नीम का यूज बेटा स्किन डिजीज़ के लिए होता है, ठीक है। अश्वगंधा, आपने आजकल नाम सुना होगा गिलोय का, गिलोय भी एक तरह का पौधा ही है, प्लांट, जो गिलोय वटी हम आजकल कोरोना के किल के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी हमारा पौधा है जिसका यूज हम दवाइयों के रूप में कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, वी गेट वुड फाइबर, पेपर, रबर, गम एंड परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है बेटा। हमें पौधों से लकड़ियाँ और ये फाइबर हैं, फाइबर, पेपर, प्लांट, गम एंड परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स। इसमें आप देखेंगे वी गेट वुड, हमें बेटा लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, पौधों से। एडल्ट प्लांट कॉल द ट्री, जो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें लकड़ियाँ बन जाती हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, इकेलेप्टस हो गया, सागौन, टीक, सीसम एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है बेटा, लकड़ी का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। वैसे अर्लियर एज में तो इसका इस्तेमाल भोजन पकाने के भी रूप में होता था, मगर अब तो LPG स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं, तो इनका यूज थोड़ा कम हो गया है, मगर फिर भी अभी फर्नीचर्स बनाने में इसका यूज होता है, जिसमें चेयर, टेबल एक्सेट्रा। बेटा पेपर जो है, पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है, जैसे बांस का पेपर बेटा बनाते हैं उसमें, जिसमें नोटबुक्स और बुक्स बनाने में इसका यूज होता है। रबर की बात करते हैं बेटा, तो रबर जूस जो है उसको कलेक्ट करके हम उससे टायर, इरेजर एक्सेट्रा इन्वेंट करते बनाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। गम एंड परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है बेटा। गम जो है वो कीकर ट्री का जूस कलेक्ट करके इससे हम गम बनाते हैं, जिससे अपनी कापी किताबों को पेस्ट करने के काम में लेते हैं। बात करते हैं ये लास्ट पॉइंट, परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स। रोज एंड जैस्मिन्स, आपने नाम सुना होगा गुलाब और चमेली का, जिनके
खुशबूदार जूस को निकाल के कलेक्ट करके हम परफ्यूम्स बनाने में काम करते हैं। ये भी हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। इनके फ्रेग्रेंस का यूज सोप बनाने में भी होता है, जो अपने घरों पर साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर नंबर 2 समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी रही होगी। हम अगली क्लास में, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और आप इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ लेंगे, पिछले चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर का कोई छूटा हुआ क्वेश्चन है तो मैं भी उसको जल्द ही अपलोड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप खुशी खुशी इसको पढ़ेंगे। विश यू वेरी हैप्पी क्लास। थैंक यू।